कि मैंने कहा था कि यहाँ पे टैक्सी ऑटो कैब वगैरह बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं, तो जिसके लिए यहाँ पे चलती हैं पब्लिक बसेस। जी हाँ, वो बसेस गवर्नमेंट होती हैं। और ऐसा नहीं है कि बसें आपको एक जगह की मिलेंगी, जी नहीं, आपको हर जगह की जो बसेस हैं, आपको जहाँ भी जाना है वहाँ की बसेस आपको मिल जाएंगी। बहुत चार्ज होने वाला होता है दोस्तों 30 से 35 रुपये, और वही आप किसी ऑटो टैक्सी कैब वगैरह को बुक करते हैं तो 300 से 400 रुपये बड़े आराम से आपसे ले लिया जाता है। तो आपको मैं यही सजेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप कभी भी इस रेलवे स्टेशन सिकंदराबाद आते हैं, अब मान लीजिए आपको सिकंदराबाद से हैदराबाद जाना है, गोलकुंडा जाना है, बोयनपल्ली जाना है, कहीं भी आपको जाना है, तो सबसे अच्छा तरीका है ये जिस टाइप की आपको बसेस दिख रही हैं, ये बस देखिए, इन बसों में आपको एक नंबर दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, ऐसा हर बस में नंबर होता है। उस नंबरिंग सिस्टम में आपको पता होना चाहिए कि आप जिस एरिया में जा रहे हैं वहाँ किस नंबर की बस जाती है। अगर आपको नंबर पता है तो आपको कुछ नहीं करना है, उस नंबर की बस जहाँ आपको दिखे बस जाके उसमें बैठ जाना है। उसमें आप बैठेंगे, कंडक्टर आएगा, प्रॉपर यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक टाइप का टिकट कटती है, टिकट कटेगी और आप अपनी मंजिल में बहुत आसान तरीके से पहुँच जाएंगे। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर कोई नया आदमी यहाँ आता है तो उसे तो पता ही नहीं होगा कि यहाँ पे उसे जिस जगह पे जाना है वहाँ पे कौन से नंबर की बस चलेगी। तो इस समस्या का समाधान भी है दोस्तों, बना हुआ होता है, जैसे हम रेलवे स्टेशन में कोई क्वायरी करनी होती है तो क्वायरी काउंटर होता है, उसी टाइप की इंक्वायरी यहाँ बसेस के लिए की गई है। अभी मैं पहुँचने वाला हूँ उस काउंटर के पास, उस इंक्वायरी काउंटर। तो ये देखिए, जो मैं आपको बता रहा था वो हेल्प काउंटर होता है, बस वाला हेल्प डेस्क इसे बोलते हैं आपकी स्क्रीन के सामने। यहाँ मैं पूछेंगे तो आपको पता चल जाएगा कौन सी बस कहाँ जाएगी। जैसे राष्ट्रपति निलयम जाना है, 211M हमें ढूंढना है, और जहाँ हमें 211M मिलेगी बस उस बस में चढ़ जाना है, और 20 से 25 रुपए, बहुत ज़्यादा नहीं दोस्तों, 20 से 25 रुपए में 8 से 10 किलोमीटर का सफ़र आप कर लेंगे, जिसका चार्ज कैब में लगभग 200 रुपए होगा, और ऑटो में गए तब तो मर ही जाइए, तब तो वो कम से कम 300-400 रुपए आपसे ले लेगा। तो ये देखिए दोस्तों, मुझे मिल गई 211M। अब मैं इनसे पूछूंगा कि क्या ये राष्ट्रपति निलयम जाएगी, देखिए क्या जवाब मिलता है, देखते रहिएगा। राष्ट्रपति निलयम जाएगी, ये देखिए, जैसा कि हम मैंने कहा था कि मैंने पूछा आरपी निलयम के लिए राष्ट्रपति निलयम, और यहाँ से सीधे हाँ हो, यहाँ की बसेज में लेडीज सीट अलॉट होती हैं आगे की तरफ, वहाँ केवल लेडीज बैठ सकती हैं, उसके बाद जो पीछे की सीट्स हैं वहाँ पे हर कोई बैठ सकता है, इसलिए पहले से ही मैं लेडीज सीट या फिर हर कोई छोड़ के बैठता है। और आपको बता दूँ यहाँ पे लेडीज के पैसे नहीं लगते, अगर वो बस से कहीं भी जाएंगे तो उनके लिए आधार कार्ड दिखा के बस फ्री रहता है, में गवर्नमेंट की जो कि लेडीज के लिए फ्री किया गया है। और ये बस सेवा जैसा कि मैंने आपको बताया, आप देखिए आराम से मैं 6-7 किलोमीटर का सफर मात्र 20 से 25 रुपये में कर लूँगा। दोस्तों आप देख रहे हैं किस तरीके से मैं इस बस से जा रहा हूँ, इस बस में मैंने आपको बताया था किस तरीके से रेलवे स्टेशन से आपको ये बस मिलेगी, आप बड़े से बड़ा चार्ज को छोटा करके इसमें आ सकते हैं, तो बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ की गवर्नमेंट द्वारा, भर जाती तो लोग खड़े भी हो जाते हैं, और मज़ेदार सा सफ़र हमारा यहाँ पे स्टार्ट है। और रेलवे स्टेशन के बाद वहाँ से जैसे ही बाहर निकलते हैं तो ज़्यादा दूर नहीं दोस्तों, बस मतलब 100 मीटर आप समझ सकते हैं, 100 मीटर जैसे ही आप आगे जाएंगे तो आपको हेल्प डेस्क मिलेगा। इस तरह की व्यवस्था हर जगह होती है दोस्तों, दिल्ली में होती है, मतलब होती हर जगह, लेकिन हमें इस चीज़ का पता नहीं होता है, जिसके कारण ऑटो वाले टैक्सी वाले हमसे बहुत ज़्यादा चार्ज ले लेते हैं। लेकिन ये चीज़ जब पता चले और हेल्प डेस्क जैसी व्यवस्था अगर हमारे पास हो तो वहाँ स्टेशन में जाने के लिए कौन से नंबर की बस मिलेगी वहाँ से हमें पता चलता है, और देखिए कितनी आसानी से और कितने जल्दी तरीके से हम वहाँ बैठ जाते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया यहाँ का किराया बहुत कम होता है, मेरे पास ये 100 रुपये हैं, देखते हैं कि हमें यहाँ पे चेंज मिल पाता है कि नहीं, ये भी देखने वाली बात होगी। इससे आपको ये भी पता चलेगा कि किस तरीके से आप इस बस में सफ़र करते हैं और बिना किसी दिक्कत, बिना किसी हिचकिचाहट के आप, यहाँ तक कि चेंज की भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको दिखेगा कि टिकट किस तरीके का यहाँ पे कट करके देते हैं, लोकल कागजों में लिख के दे देते हैं, उस तरीके का यहाँ पे सिस्टम नहीं है, बहुत तरीके से होता है, मशीन से निकलता है, और बहुत ही बखूबी ये चीज़ होने वाला है जो कि मैं आपको दिखाऊंगा। वो अपनी प्रोसेसिंग में लगे हुए हैं, क्या होता है कि उनके पास जो पैड होता है उसमें टाइप करते हैं, जैसा कि देख सकते हैं इसमें टोटल फेयर जो है 25 रुपीज़ ही आपको दिखाई दे रहा है, बाकी के जो पैसे हमें वापस मिल गए हैं। देखा आपने ये, जैसा कि यहाँ पे टिकट आपको दिखाई दे रहा है 25 रुपये के फेयर में मात्र 7 से 8 किलोमीटर का सफर आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया अगर आप कैब वगैरह करते हो तो लगभग 250 से 300 रुपये।